हवन जो अनयूज्ड था किसी चीज से, सौभाग्य से वो अंगिका जो आंध्र प्रदेश की भाषा है, और मैं समझता हूं पूरे बिहार में टीएमबीयू में ही अंगिका की पढ़ाई होती होगी, और कहीं होती है क्या? अभी तक तो कहीं नहीं होती है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको सिंडिकेट से पारित करवाया, सीनेट से हुआ, लेकिन ड्यू था एकेडमिक काउंसिल, वो कल हो गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसका सिलेबस बनना, इसकी दो तीन प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें योगेंद्र जी रहेंगे, पीवीसी साहब रहेंगे, और दो तीन जो इससे संबंधित प्रोफेसर्स रहेंगे। मेरे ख्याल से एक सप्ताह में वो नोटिफिकेशन हो जाएगा। जो ही वो नोटिफिकेशन होगा तब पद सृजन के लिए कि अंडर ग्रेजुएट में भी डिफरेंट कॉलेजेस में हो, वो एक चिट्ठी जाएगी बिहार सरकार को, और ऐसी चिट्ठी जाने का मतलब होता है कि वो इन द लॉन्ग रन 2 महीना 4 महीना 6 महीना में वो हो ही जाएगा। तब आप संवैधानिक ढंग से, जैसे मैथिली इंटर हुआ यूपीएससी में स्टेट कमीशन में, तब अगर आप बात करेंगे तो वो बात रखी जाएगी। अभी उसके लिए थोड़ा सा 6 महीना साल भर वेट करना होगा, लेकिन फॉलो अप करते रहना होगा पटना में। और मैथिली के आने के बाद उसका एक्सपोजर उसको मिला, वो एक्सपोजर ऐसा मिला कि 1 से 100 के बीच में 2 स्टूडेंट, हम पूरा नहीं बता रहे, सिर्फ 100 तक के बीच में 2 ऐसे स्टूडेंट हुए सिविल सर्वेंट जो मैथिली सब्जेक्ट से हुए। तो उसी तरह से अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो वो आप ही के रीजन का कोई सिविल सर्वेंट होगा, जिससे खुद ब खुद आपकी भाषा इनरिच होगी, उसका एक्सपोजर होगा। और जब डिफरेंट कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट में चलेगा तो यू विल गेट द बेस्ट फैकल्टी, आपको मिलेंगे रेगुलर टीचर मिलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि वो जो शून्य से भी नीचे चला गया था वो अपने स्ट्रीम लाइन की ओर आ जाएगा। तो मैं हमेशा सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो और जल्दी हो, डिले करना मेरे डीएनए में है नहीं, तो और ना पीछे मैं हटता नहीं हूं। मैं आपके पास का ही गांव है, भवनाथपुर है, मैं वहीं का रहने वाला हूं, और ये 3rd जनरेशन है जो हम लोग वर्किंग में है। मेरे ग्रैंडफादर रहे थे जस्टिस, चीफ जस्टिस भी रहे थे, फादर इंजीनियर चीफ रहे हुए बिहार इंडस्ट्री बोर्ड में, तो मैं बाहर पूरा बिहार घुमा हूं। बट वी ऑलवेज टॉक इन आवर लैंग्वेज, जब हम लोग मिलते थे या मिलते हैं तो हिंदी में नहीं बात करते हैं, बाबा से भी बात करते थे तो अपनी भाषा में बात करते थे, पापा से भी बात करते हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं। तो उस भाषा को ग्रो होना में अगर मेरा कंट्रीब्यूशन होता है तो आई लव इट। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और सबसे ज्यादा तो मैं शिव कुमार जी का ऐसा स्पॉन्सर जोगेंद्र जी को मिल गया है जो भाषा के प्रति समर्पित है, तो आई एम ग्रेटफुल कि आप उनका लाभ उठाइए, लाइब्रेरी आप इन्वेस्ट कर दीजिए, और किसी भी सिस्टम को अगर आप ग्रो कराना चाहते हैं तो 15 दिन या महीने में एक इनवाइटेड टॉक करवाइए, जिसमें कि जितने भी रीजनल नॉलेजेबल अंगिका के होंगे लोग, सपोज एक एग्जांपल दे सकते हैं आप, तिलका मांझी का योगदान अंग क्षेत्र में, इसी भाषा का प्रयोग करें, उसी भाषा में बच्चे बोलें, टीचर्स बोले, या जो सामाजिक लोग जो इन्वॉल्व इसमें होते हैं। अपना सबका आज के इस पावन शुभ अवसर पर हमारा तरफ से सादर प्रणाम। हम कोऑर्डिनेटर साहब के माध्यम से और कुलपति महोदय के माध्यम से, सहयोग से, उनके आदेश के अनुसार आज के दिन इस भवन के स्थापित कर पाइए, ये बहुत बड़ी सुखद बात है।
और आज के दिन हम सब मिलकर एक संकल्प लिए कि केना का इस अंगिका भाषा का या अंगिका के माध्यम से हमरा सबके भावना के एक दूसरा के प्रति ले जाए के वास्ते कैसा आगू बढ़ा एकरा पर आज के दिन हम संकल्प उद्घाटन के साथ साथ संकल्प ले के भी दिन से संकल्प लेना चाहिए। और अंगिका के बारे में बहादुर बाबू बहुत हद तक बता देंगे और बहादुर बाबू का एक चीज कहना चाहिए कि जैसा उन्हें कह के कि हम अब दो चार महीना में रिटायर करेंगे, लेकिन व्यक्ति रिटायर अभी नहीं करते या व्यक्ति का ये नहीं सोचना चाहिए हम रिटायर करने के लिए, वो कभी मन में नहीं भले सर्विस से सेवा से रिटायर हो पा रहे, लेकिन अपना कर्म से कभी रिटायर नहीं होते। जब तक जिंदा छे तब तक आदमी एक्शन में रहे छे, उनका अंगिका के प्रति सहयोग करे पड़ते। वही का बहादुर बाबू इस काम से पीछू नहीं हटा पा रहे थे। बरक जितनी चीजें हैं, लोग गाथा, लोग गीत, तमाम चीजें जो हैं, उससे अपने को जोड़ेगा और अंगिका के लिए संघर्ष भी करेगा। विभाग से विभाग की तरह नहीं होगा, बहुत कुछ बाकी है अंगिका के नाम पर जिसको पूरा किया जाना है। हमारे बहुत सारे मित्रगण भी और सब लोग हैं, सबको बुलाना शायद इस मौके पर संभव नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक दो व्यक्ति जनता की ओर से लेखक कवि की ओर से अपनी बात कहें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी जी को शत शत नमन, उन्हें ढेर सारी बधाइयां। जिस तरह से उन्होंने एकेडमिक काउंसिल में अंगिका पढ़ाई के लिए इस विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में स्नातक स्तर पर पीजी की पढ़ाई अंगिका की शुरू करवा दी, ये बहुत ही अच्छी पहल है। अंगिका के विकास के लिए उन्होंने नए द्वार खोल दिए हैं। यूं तो यहाँ पर स्नातकोत्तर में अंगिका की पढ़ाई होती थी, लेकिन विद्यार्थियों में अरुचि थी कि पता नहीं इसका विकास क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा। अब तो विकास के नए द्वार खुल गए हैं। प्रोफेसर जुगेंद्र को भी ढेर सारी बधाइयां, लेकिन एक बात कहना छे, कहे छे कि निज भाषा की उन्नति है सब उन्नति के मूल। 5 करोड़ जे बोले छे भाषा, ओकरो नाम छे अंगिका भाषा। अंगिका भाषा में ये जे आम छे जरदालू आम के मिठास छे, आरो जे चूड़ा छे कतरनी चूड़ा के खुशबू छे, तो है खुशबू है मिठास वाला बोली के अंगिका के विकास के जे नया दरवाजा खुलो छे ओकरा वास्ते बहुत बहुत खुशी जाहिर करे छे हमें और अंगिका वासी के ढेर सारी बधाई। इसकी तरफ कि अंगिका की रोटी खाता हूं, अंगिका के मजदूर मेरे पास काम करते हैं, अंगिका का जीवन रहता है, एक एक सांस अंगिका के साथ चलती है, ये अलग बात है कि मैं अंगिका लिख नहीं पाता। लेकिन जिस तरह अगर किसी की मां गूंगी हो या व्यक्ति गूंगा हो तो वो अपनी मां को मां नहीं भूल सकता है, लेकिन उसके अंदर के भाव हर समय मातृत्व के लिए। अंगिका का उत्थान आपके अपने परिवार का उत्थान है, आपके घर का उत्थान है, आपकी अपने स्वाभिमान का उत्थान है, और यह काम जो हो रहा है। और एक बात मैं अभी घोषणा करना चाहता हूं कि अंगिका दरिद्र नहीं है, वो पूरी समृद्ध है, और योगेंद्र जी जो चाहे वो करें, मेरा पूरा सहयोग रहेगा अंगिका। धन्यवाद। अंग प्रदेश को तो अंग प्रदेश क्यों, विद्यार्थियों को लाभ। अंग प्रदेश हम बोलते हैं तो उसको बांध देते हैं, बंधेगा नहीं। जिस तरह गंगा बहती है तो दूर तक लग जाती है, समुद्र में मिलती है, उसी तरह ये विभाग आगे अपना मुकाम कायम करेगा। और एक बड़ा चीज़ है, अगर इसका जो भी कुलपति जी ने घोषणा किया कि ग्रेजुएशन से पढ़ाई शुरू होगी, तो एक बड़ा आयाम खुलेगा, एक बड़ा विकास का रास्ता खुलेगा। और जो अंगिका का ये है क्या कहते हैं पराभव है, उससे भी निजात मिलेगी, एक बड़ी काम हुई है। इसके लिए कुलपति महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही डॉक्टर योगेंद्र सर को, उन्होंने अंगिका को एक पहचान दिया, ये माइलस्टोन का काम है।
जिनको प्रयत्न से है प्रसाद मिलने, जिनका अंगिका भाषा के प्रति अथाह प्रेम से, जिन्हें अपनी अंगिका भाषिनी ममतामयी माई के अचनाता लोरी सुनी सुनी कर अरो आए है पद तक पूछलस थी, आदरणीय कुलपति महोदय अरो हमरो कुल सचिव महोदय रामचंद्र बाबू आरो भाई डॉक्टर जोगेंद्र जी आरो विद्वत डॉक्टर बहादुर मिश्र जी आरो अंगिका के प्रति असीम स्नेह, अंगिका भाषा के प्रति, अंग महाजनवत के प्रति अपनो जीव विद्यार्थी जीवन से सहयोग करे वाला एहनो कवि शिव कुमार सिंह जी हमरो अंगिका प्रेमी, अंगिका के साहित्यकार, अंगिका लेली अहर्निश रात दिन खटवो खटे वाला आ साहित्यिक सर्जना करे वाला इतने इतने हमरो मने अभी जे देखी रहलो छे बहुत कम छे, मगर संपूर्ण अंग महाजनपद के एक रिक्शा वाला भी अंगिका ढूंढे छे। ये यदि आय हमरा खुशी के कोई ठिकाना नहीं छे कि शिक्षा के स्तर पर अंगिका भाषा के एक अपनो भवन मिलले और अपने श्री भागलपुर विश्वविद्यालय तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जितने विद्वान सुनी छोत उनका अंगिका के प्रति स्नेह ममत्व अपनापन जागी गले। ये लिए अब हमरा लगे छे कि अंगिका के विकास कहियो नहीं रुकते, हमरा सब अंग जनपद का जागरूक हुए पड़ते और अंगिका का सबसे विकास करे वास्ते सबसे पहले कि निचला स्तर से पढ़ाई जम हो जते तो अंगिका का विकास स्वतः हो जते। अगर अंगिका में रोजगार मिली जाए, अंगिका का वैल्यू हुआ, अंगिका में रचना हुआ तो अंगिका का वृद्धि होते, अंगिका करो समाज हमेशा जागरूक रहते, अंगिका भाषा करो अधिक से अधिक उपयोग घर में भी करते तो अंगिका का विकास होते। हमरा भाषा अंगिका, हमरा भाषा अंगिका छिके महारानी, अंगो के धरती पर गूंजे छे बानी। हमरा भाषा अंगिका गृहसन नाचिका चिकी भाषा कहल के, गृहसन नाचिका चिकी भाषा कहल के, कोई कोई ये भाषा का ठेठी बतल के, नाम दल के अंगिका, नाम दल के अंगिका राहुल छे ज्ञानी, अंगो के धरती पर गूंजे छे बानी। हमरो भाषा अंगिका गीत सुनी बिहुला के बिसहरी रिझाबे, गीत सुनी बिहुला के बिसहरी रिझाबे, बाबा बिसुरावतो के भक्ति गीत भावे, गीत सुनी बिहुला के बिसहरी रिझाबे, बाबा बिसुरावतो के भक्ति गीत भावे, नटवा के लोक गाथा, नटवा के लोक गाथा कहे मुझवानी, अंगो के धरती पर गूंजे छे बानी। हमरो भाषा अंगिका की, धन्यवाद।